अब देखिएगा जरा, सिविल पुलिस में अगर मैं लीव की बात करूं तो अर्न लीव होती है 30 डेज, एक साल की अर्न लीव होती है 30 डेज, ठीक है। कैजुअल लीव होती है 30 डेज, ठीक है। स्पेशल लीव्स होती है, मेडिकल मेडिकल लीव होती है, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव होती है, लीव विदाउट पे होती है, हाफ पे लीव होती है। टोटल अगर मैं कहूँ तो भैया 10 से 14 तरह की लीव्स होती हैं, है ना। ईओएल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होती है, तो काफ़ी सारी लीव होती हैं, काफ़ी सारी लीव होती हैं, ठीक है ना। तो और अगर प्लाटून कमांडर की बात करूँ तो अर्न लीव 30 डेज है, कैजुअल लीव है, स्पेशल लीव है, इसमें भी मतलब है, लेकिन प्लाटून कमांडर में थोड़ी सी ज्यादा लीव होती हैं एज कंपेरिजन टू सिविल पुलिस, ठीक है ना। हाँ क्लियर। अब अगर मैं देखो फायर पुलिस में अर्न लीव 30 डेज है, कैजुअल लीव 30 डेज है, और इसमें भी सेम लीव है, ठीक है ना। मैटरनिटी पैटर्निटी सारी लीव्स यहाँ पर आपके लिए हैं, तो आप अपने सुविधा के अनुसार जो है छुट्टियां ले सकते हैं, छुट्टियां प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हर जगह पर आप एक सब इंस्पेक्टर पद पर जाएंगे, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी है, आपने सीधा एप्लीकेशन डाली और छुट्टी मिल गई, ना। डिपेंड करेगा कि वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, वहां पे थ्रेट क्या है, वहां पे काम क्या चल रहा है। आपकी जरूरत अभी बहुत ज्यादा है तो आपको छुट्टी नहीं भी मिलेगी कई बार, ऐसा है ना। तो ये चीज है, तो आप क्या होता है, इनमें क्या होता है, साल भर की जो लीव्स होती हैं, लीव होती हैं, उसको पहले ही प्लान कर लिया जाता है। पहले ही सब इंस्पेक्टर्स, कॉन्स्टेबल्स जितने भी होते हैं, सब लोग अपने अपने लीव पहले ही अपने सीनियर ऑफिसर को दे देते हैं, लीव प्लान कि मैं इस महीने में छुट्टी जाऊंगा। तो जो सीनियर होता है वो प्लान करता है कि इसको कब भेजना है, इसको कब भेजना है, इसको कब भेजना है। हाँ, इमरजेंसी लीव तो हमेशा ही आपके लिए है ही, लेकिन जो लीव प्लान होता है वो एक साथ बनता है पूरी की पूरी बटालियन में, है ना, पूरे एरिया जो भी आपका ज्यूरिडिक्शन होता है उसमें जितने भी आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसका पूरे साल का जो लीव प्लान है एक बार में बन जाता है, उस लीव प्लान को ही फॉलो करना होता है।